तो हेलो एवरीवन, मैं इस परफ्यूम की टेस्टिंग कर चुका हूँ। ये है मेरे पास डिटोर नोवार। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस डिकेंट को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं। मैं इसकी पहले दिन पे टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे डिकेंट्स वगैरह ऑर्डर कर रखे और उनके आने पे मैं सिर्फ एक स्प्रे करता हूँ पहले दिन पे, और फिर इनको बहुत दिनों तक छोड़ देता हूँ, शायद एक महीना भी हो जाता है। और उसके बाद मैं इसका टेस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करता हूँ ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए और मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे पाऊँ। और देखो, मैं डिकेंट के थ्रू रिव्यू बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं पहले ये थियोरम का भी रिव्यू बना चुका हूँ। और इसका रिव्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे ये थियोरम का बॉटल पूरा खरीद चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा स्मेल करता है और किसी लास्टिंग या प्रोजेक्शन, दोनों सिमिलर ही है, डिफरेंस है ही नहीं कुछ। तो मैं बता सकता हूँ कि 2 ml के डिकेंट के थ्रू ओरिजिनल जो परफ्यूम होगा वो कैसा होगा और कैसी चीजें वर्क करेगी। ये तो डेफिनेटली थियरम मुझे काफी अच्छा लगा, तुराथी ब्लू जैसा ही है इसलिए मैंने इसका पूरा बोतल ले लिया। लेकिन ये एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि ये भी काफी अच्छा है और इसका भी मैं जल्द पूरा बोतल लेने वाला हूँ। अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिकेंट्स हो चुके हैं जिनको मैंने सेटल होने के लिए रखा है और उनका भी मैं धीरे धीरे आगे रिव्यू करता जाऊंगा। और देखो, मैं सारी परफ्यूम्स की टेस्टिंग कम से कम 3 बार करता हूँ, 1 बार स्किन पे, 2 बार कपड़ों पे। प्रोजेक्शन वाला जो दिखाता हूँ मैं वो सिर्फ एक ही बार वीडियो में दिखाता हूँ, उसके अलावा भी मैं 1 बार स्किन पे और 1 बार फिर से कपड़ों पे, यहाँ पे कंधे पे टेस्ट करता हूँ उसकी लास्टिंग वगैरह देखने के लिए, और लगाने के बाद क्या एक्सपीरियंस फील होता है वो देखने के लिए कम से कम मैं 3 बार टेस्टिंग करता हूँ। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में। यह डिटोर नोवार का डिकेंट मेरे हाथ में, और ये अलरमेन का कुछ परफ्यूम है डिटोर नोवार, और इसको कहते हैं कि परफ्यूम दे मार्ले का लेटन आता है उसका भी क्लोन है और बहुत अच्छा खासा क्लोन है। इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। देखो, मैंने लेटन तो कभी ट्राई नहीं किया, काफी महंगा परफ्यूम है, लेकिन मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, बुरी नहीं इसकी क्वालिटी। तो पहले मैं इसकी स्मेल समझाने का ट्राई करूंगा और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसकी जो स्मेल है ना वो मुझे थोड़ी गुरमांड सी स्मेल लगती है, और सिंपली वे में कहना चाहूँ तो देसी आइसक्रीम की शॉप होती है वहां पे बादाम शेक वगैरह होता है, वैसा कुछ थोड़ा बहुत वाइब मिलता है कि बादाम शेक जैसा कुछ है। इसमें बादाम का एक नोट दिया गया है और उसमें ऐसा भी लगता है कुछ बासुंदी हम जो खाते हैं ना, वैसा कुछ भी वाइब है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उस टाइप की वाइब देता है, ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। और इसमें अच्छे से सिनेमन भी यूज किया गया है, मुझे सिनेमन नोट्स वगैरह में तो नहीं दिखा रहा था लेकिन इसमें सिनेमन मुझे फील हो रहा है जब मैं इसको स्मेल करता हूँ, तो इसमें थोड़ा वार्म नेचर है और मुझे लग रहा है वो सिनेमन से मुझे फील हो रहा है। इसमें जो आलमंड का नोट है ना वो काफी प्रोमिनेंट फील होता है, शायद इसीलिए मुझे ये बादाम शेक की याद दिला रहा है। और इसमें वेनिला भी बना रहता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से वेनिला बना रहता है। और जो इसका वेनिला है वो ड्राई डाउन में मुझे काफी हद तक ये अफनान के 9 PM की याद दिलाता है। ये दोनों ड्राई डाउन में काफी सिमिलर लगते हैं, मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड भी टेस्ट करा था तो ये थोड़ा मुझे ज्यादा स्वीट वाला लगा था, ये इतना ज्यादा स्वीट वाला नहीं लग रहा था, लेकिन ये ड्राई डाउन का जो ड्राई डाउन में वेनिला वाला पार्ट है वो इन दोनों का काफी सेम फील होता है। और साथ में इसका जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा मस्की भी लगता है, जबकि अफनान 9 PM का इतना मस्की नहीं लगता है, तो ये थोड़ा मस्की भी है और थोड़ा बहुत वेनिला वाला भी है ड्राई डाउन इसका अफनान के 9 PM जैसा। राम सिल्वर का भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, तो आप समझ सकते हो अगर आपके पास राम सिल्वर है तो आप इसका सिमिलर ही ड्राई डाउन आपको महसूस होगा, और अगर आपको राम सिल्वर अच्छा लग रहा है लताफा का तो आपको डेफिनेटली ये अच्छा लगेगा, आपको ट्राई करना चाहिए इसको भी। तो इसका स्मेल आप समझ लो कि स्टार्टिंग में थोड़ा बादाम शेक जैसा बादाम वाला वाइब देता है, और फिर इसके साथ वेनिला भी स्टार्टिंग से एंड तक मिलता आता है, थोड़ा वार्म नेचर वाला है तो इसमें सिनेमन भी थोड़ा बहुत फील होता है। और ये अफनान का 9 PM जो है रैम सिल्वर वही कैटेगरी में बिलोंग करता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा क्लासी लगता है उसके कंपैरिजन में। और ये जिस प्राइस पे मिलता है ऐसा नहीं लगता है कि चीप है, काफी अच्छा लगता है। प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं कहूंगा ये डेफिनेटली वर्थ बाइंग है। तो एक चीज मैं ऐड करना भूल गया था कि आप इस परफ्यूम को कहाँ लगा सकते हो, तो देखो ये परफ्यूम बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है मेरे हिसाब से, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, शादी हो, इवेंट्स हो, डेट हो, कैजुअली कहीं पे भी लगा सकते हो। इसमें फ्रेश एलिमेंट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको समर की धूप में मत लगाओ और ना ही आप इसको जिम में लगाओ, तो ये दो जगह के अलावा ये कहीं पे भी चल सकता है ऐसा कुछ ये परफ्यूम है। और इसका प्रोजेक्शन काफी बीस्ट मोड है तो ये लगाया जा सकता है इवेंट्स वगैरह में, और आउटडोर्स में तो ये कहीं पे भी चल जाएगा और इंडोर्स में तो ये पूरा रूम फिल कर देगा, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो इस परफ्यूम को। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो जब मैंने इसको मेरे फोरआर्म पे एक स्प्रे लगाया था तो ये कम से कम 5 से 6 घंटे जैसा लास्ट किया था, उसके बाद ये काफी फेड आउट हो जाता है, उसके बाद महसूस नहीं होता है। और कपड़ों पे 22 से 24 घंटे जैसा लास्ट कर लेता है, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये कपड़ों पे कुछ अच्छा खासा स्प्रे लगाया गया था। तो मैं कहूंगा 24 घंटे के बाद भी ये थोड़ा बहुत महसूस होता है लेकिन अच्छा खासा बना रहता है 22 से 24 घंटे तक। मेरे पास ये टी शर्ट है जिसके बैक पे मैंने अच्छे खासे इसे स्प्रे किए थे और अभी 24 घंटे प्लस हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी स्मेल इसमें से अच्छे से आ रही है, ऐसा पता चल रहा है कि इसमें कुछ अच्छा खासा स्प्रे किया गया था। और जो स्प्रे करा गया था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अफनान का 9 PM स्प्रे करा गया है,
तो मैंने साइड बाय साइड टेस्ट करा था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। और ऐसा लगता है कि ड्राई डाउन में काफी सिमिलर ही अफनान का 9 PM जैसा ही है। और इसका प्रोजेक्शन 3 से 3.5 घंटे जैसा अच्छा खासा रूम फिल करने वाला है। जो मेरा ये रूम है ना, उसके बाहर भी इसका प्रोजेक्शन फील होता है, ऐसा बीस्ट मोड वाला प्रोजेक्शन है। ऐसा प्रोजेक्शन मुझे थुराथी ब्लू का मिला था और उसके बाद मुझे इसका प्रोजेक्शन मिला था। तो मैं कहूंगा प्रोजेक्शन के मायने में काफी बीस्ट मोड है और पूरा रूम भर देता है, रूम के बाहर भी इसका स्मेल मिलता है। तो काफी प्रोजेक्शन इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और जब मैं वो शर्ट से इतना दूर से स्मेल करने का ट्राई कर रहा था, तो ये मुझे 3 घंटे के बाद भी मिल रहा था। ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है, 3 घंटे के बाद भी ये छोटा सा बबल बना के रहता है और आसपास में महसूस होता है, और इतने डिस्टेंस तक ये आराम से महसूस हो जाता है कि ये लगाया गया है। तो प्रोजेक्शन इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं खुद भी इसका पूरा बोतल लेना पसंद करूंगा। अभी जिस सेलर के पास से मैं लेता हूँ उसके पास ये अवेलेबल नहीं है, मैं डेफिनेटली फ्यूचर में इसका पूरा बोतल जरूर खरीदूंगा। तो काफी अच्छा परफ्यूम है, मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आपको अफनान के 9 PM वाली कैटेगरी पसंद हो और थोड़ा गुरमोन टाइप का भी कुछ आपको पसंद हो तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इस कैटेगरी में ये काफी अच्छा है। और ये परफ्यूम दे मार्ली का लेटन आता है, उसका क्लोन है और काफी क्वालिटी में भी अच्छा है और परफॉर्मेंस में भी अच्छा है। और प्लीज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो, और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है 1000 सब्सक्राइबर्स की। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।